अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बच्चों, ठीक हैं? आई होप के सब ठीक होंगे। हमने जो प्रीवियस लेक्चर बेटा लिया था वो था लाइटनिंग, और टू एक्टिविटीज़ हमने की थी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थी वो, ठीक है। अब आपने लाइटनिंग तो पढ़ ली है, लाइटनिंग का पता भी चल गया है आपको क्या होती है। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रो मैग्नेट्स, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बेसिकली क्या चीज़ होती है, और कोई भी जो मैग्नेट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह से बनता है, किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करता है। अब सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन मैं राइट कर रही हूँ, एन आयरन नेल और रॉड बिकम्स अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through the coil wound around it. Such a magnet is called इलेक्ट्रोमैग्नेट। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है आपने उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि इसकी डेफिनेशन जो एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ, एन आयरन नेल और रॉड बिकम अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी आयरन है या कोई भी आयरन नेल आपको पता है जो कील वगैरह हम यूज़ करते हैं, या कोई रॉड है, वो मैग्नेट तब बनता है जब उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिक करंट गुजारती हो, लेकिन वो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्ट उसके अंदर से नहीं गुजरता। उस जो आयरन नेल है या रॉड है उसके इर्द गिर्द एक हम क्वाइल जो है उसको लपेट देते हैं, ठीक है। तो उसको जब आप उसको लपेट दोगे तब उसके आप जब करंट उसमें से पास करवाओगे तो करंट गुजरेगा और फिर वो क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इलेक्ट्रो का मतलब आपको पता है, किसको शो कर रहा है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्रॉस होगी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उसमें से क्रॉस होना गुजरना बंद होगी तो वो मैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी वर्क करना छोड़ देगा, मैग्नेटिसिटी जो उसमें है यूज़ हो रही है वो कम ख़त्म हो जाएगी। इस चीज़ को समझने के लिए आपकी बुक में एक्टिविटी है 7.4, वहाँ पे उन्होंने आपको कुछ बताया है कि एक आयरन नेल लें, ठीक है, और एक आपने कॉपर वायर लेनी है। उन दोनों जो आयरन नेल है उसके गिर्द आपने कॉपर वायर को लपेट देना है, ठीक है, क्वाइल बना देनी है। क्वाइल बना देंगे जब तो उसका जो एक फ्री एंड है उसको आपने वायर के साथ कनेक्ट करना है किसी भी, ठीक है, और दूसरा एंड जो है वो आपने वायर के थ्रू ही सेल से कनेक्ट कर देना है। जब आप सेल से उसको कनेक्ट करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो उसके सामने जो आप कोई भी आयरन क्लिप्स वगैरह रख देंगे आयरन नेल के, तो वो उसके साथ अट्रैक्ट होंगी उसकी तरफ जब तक उसके अंदर से करंट गुजरता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप स्विच को ऑफ करेंगे तो करंट उसमें से गुजरना बंद हो जाएगा और वो आयरन क्लिप्स जो हैं वो अट्रैक्ट भी नहीं होंगी और वो नीचे गिर जाएंगी, ठीक है। ये आपने एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का तरीका बताया हुआ है। तो अब अपनी बुक का पेज नंबर 85 ओपन करें, पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ओके बेटा, तो बुक पेज नंबर 85 जो है यहाँ पे देखें आपका 7.5 टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म,
ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के दरमियान एक कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, क्लोज रिलेशन है। अब उस चीज़ को समझने के लिए आपके सामने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो अब ये एक्टिविटी आपके 7.4 है, अगर आप घर में इसको ट्राई करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा और ये वर्क भी करती है। ठीक है, टेक एन आयरन नेल एंड विंड एन इंसुलेटेड कॉपर वायर अराउंड इट टू मेक अ क्वाइल। ठीक है, ये एक आयरन नेल है और इसकी गिर ये जो रेड कलर की आपको वायर सी नज़र आ रही है, जो उसकी गिर लपेटी हुई है, ठीक है, अच्छे तरीके से। ये होता है कि किसी भी वायर को आपने, कॉपर वायर जो है उसके इर्द गिर्द आपने लपेट दिया है उसको। ठीक है, कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द क्वाइल टू अ सेल और अ बैटरी थ्रू अ की। अब आपने जो इसके फ्री एंड, मतलब कि दोनों साइड के दोनों फ्री एंड जो हैं उनको आपने एक वायर के थ्रू सेल से कनेक्ट करना है। एक एंड को आप पॉजिटिव नेगेटिव एंड के साथ कनेक्ट करेंगे और जो पॉजिटिव एंड के साथ आप वायर के साथ अटैच करेंगे, वहाँ पे पॉजिटिव एंड से पहले आपने की भी अटैच करेंगे। ये हमने जब सर्किट बनाया था तो आपको पता है कि सर्किट जो है, सर्किट में हमेशा करंट जो भी हम स्विच या की यूज़ करते हैं वो पॉजिटिव एंड की साइड पे जुड़ी हुई होती है। ठीक है, कीपिंग द की ओपन, इसका मतलब कि करंट जब आपने स्विच को इसको ऑफ किया हुआ है, इसको आप खोल देंगे। ब्रिंग द आयरन क्लिप्स नियर द आयरन नेल, अब ये जो आयरन क्लिप्स आपको नज़र आ रही हैं, जब आप ये आयरन नेल के करीब लेकर आएंगे, द आयरन नेल विल नॉट अट्रैक्ट आयरन क्लिप्स, इसको अट्रैक्ट नहीं करेंगी, वो जहाँ पे अगर नीचे पड़ी हुई हैं तो वैसे ही पड़ी रहेंगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं करेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे मूव करें, पेज नंबर 86। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया है कि नाउ क्लोज द की एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस विद द आयरन क्लिप्स व्हेन ब्रॉट नियर द आयरन नेल। अब आपने जो की ओपन की हुई है उसको आपने क्या कर देना है, बंद कर देना है, मतलब ऑन कर देना है। तो करीब लाने से आयरन नेल के साथ आयरन क्लिप्स जो है वो क्या करती हैं, दे विल बी अट्रैक्ट बाय द नेल एंड क्लिंग टू इट एज शोन इन द फिगर। कह रहे हैं कि वो अट्रैक्ट होंगी और उसके साथ क्या होंगी, अटैच हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, जिस तरह से आपको फिगर में नज़र आ रही हैं। नाउ ओपन द की अगेन एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड द आयरन क्लिप्स। अब मतलब आपने उसको बार बार, जैसे हम एक बटन को ऑन ऑफ कर रहे होते हैं, वैसे करके आपने चेक करना है कि क्या होता है। ऑल द आयरन क्लिप्स विल फॉल फ्रॉम द नेल, कि जैसे ही आप की को दोबारा से ओपन करेंगे तो सारे के सारे नेल आयरन क्लिप्स जो हैं वो गिर जाएंगे। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इससे आपको क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी We observe that when an electric current passes through a wire wound around the nail starts to attract the iron clip. Thus, we can conclude that कि जब भी आप कोई भी electric current जो है वो किसी भी nail के अंदर से गुजरे, उस nail के अंदर से गुजारना है जिसके इर्द गिर्द आपने copper wire लपेटी हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि उस नेल के अंदर क्या करेगा, वो आयरन क्लिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इसकी वजह, इसका अब क्या आपके पास रिजल्ट आया कि एन आयरन नेल और अ रॉड, कोई भी आयरन नेल या रॉड अगर आप इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, बिकम अ मैग्नेट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द कॉइल वाउंड अराउंड इट, सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। कि कोई भी आयरन नेल जो है वो कब मैग्नेट बन जाती है, जब उसके अंदर से करंट गुजरा जाए, और करंट गुजरने की सूरत क्या है कि उस जो आयरन नेल है उसके गिर्द कॉइल को लिपटा होना चाहिए। तो इस तरह का मैग्नेट जो है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से करंट गुजर रहा है, पास हो रहा है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज आ टेम्परेरी मैग्नेट, कि कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या होता है, टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी किस तरह से है, इट रिमेन्स मैग्नेट एज लॉन्ग एज द करंट पासिस थ्रू इट, वो उतनी देर ही जस्ट मैग्नेट रहते हैं जब जितना टाइम उसके अंदर से करंट गुजर रहा है। बट वेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ, लेकिन जैसे ही आप करंट को गुजरने के लिए स्विच ऑफ करते हो, उसको बंद कर देते हो, इट लूजेज इट्स मैग्नेटिक अफेक्ट, वो अपना जो उसका मैग्नेटिक अफेक्ट है वो क्या कर देगा, खो देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपके पास आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्ड नज़र आ रहा है आपको, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, ये आपका MCQ वर्ड है। अब हमारे पास आ जाते हैं यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपको पता है कि कोई भी जो चीज़ है उसके यूज़ भी होते हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिफरेंट जगह पे आप इसको यूज़ करते हो। ठीक है,
यूज़ किस तरह से आप कर रहे हैं, अब हम इसको स्टडी करते हैं। यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो अब कौन से ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ आयरन, ठीक है, निकल एंड कोबाल्ट, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वो आपके पास सामने जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं ये कौन से हैं जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा डेली लाइफ में जहाँ जहाँ पे यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो आ रहे हैं वो कहाँ पे हैं, आपके मैग्नेटिक लॉक्स हैं, मैग्नेटिक लॉक्स, उसके अलावा आपके जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है, लाउड स्पीकर्स में भी यूज होते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उनको उनका यूज़ जो है वो ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं जहाँ पे मैग्नेटिक क्रेन है, इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, ये सारे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में ही आते हैं, इलेक्ट्रो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में आते हैं। तो मैं इनको भी यहाँ पे राइट कर रही हूँ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक क्रेन्स। अभी हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल्स, और एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो ये जो आपके लास्ट थ्री यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं इनको हमने डिटेल्स में भी अभी पढ़ना है कि ये किस तरह से वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इनका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि किस तरह से ये काम करती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज होती हैं आपने मोस्टली देखी होंगी, स्क्रैप यार्ड में पड़ी हुई होती हैं, ठीक है, वो किस तरह से वर्क करती हैं कि उनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो हैवी वेट को उठाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब आप कोई भी आयरन जो क्रेन्स हैं वो मेटल को किस तरह से उठाती हैं, जब आप उसके अंदर डेफिनेटली उसका स्विच जो है उसको ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन जो है वो वर्क करना शुरू कर देती है, लेकिन रिलीज़ करने के लिए जो आपने मैग्नेट उठाया होगा उसको जब आप स्विच ऑफ करते हैं इलेक्ट्रो, तो क्या होता है कि वो वहाँ से जितना भी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट जितना भी आपने मेटल स्क्रैप जितना भी कबाड़ वगैरह वहाँ से उठाया होगा उसको वो छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक बेल जो है वो किस तरह से वर्कआउट करती है, इसको हम आपकी बुक के ऊपर जो उन्होंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाई हुई है, ठीक है, फिगर 7.10 है, इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप पेज नंबर 86 के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन जो है उसकी रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो अपनी बुक का पेज नंबर 86 ओपन करें। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में आ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। दे आर यूज्ड वाइडली इन आवर डेली लाइफ, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो किस चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, जैसे आपको पहले बताया है आयरन, निकल और कोबाल्ट को। दे आर यूज्ड वाइडली इन आवर डेली लाइफ, और डेली बेस हमारी लाइफ में मोस्टली ये लोग यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर यूज्ड इन मैग्नेटिक लॉक्स, कि किस तरह से ये तीनों चीज़ें जो है वो मैग्नेटिक लॉक्स में यूज़ हो रही हैं, सर्किट ब्रेकर में यूज़ हो रही हैं, एंड इन लाउड स्पीकर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर आल्सो यूज्ड इन मैग्नेटिक क्रेन, जो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट मेथड है वो किस तरह यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक क्रेन्स में भी, इलेक्ट्रिक बेल्स में भी, और इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी। पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन को डिस्कस करेंगे। फिगर 7.9 आपको नज़र आ रही है, ये उन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन बनाई हुई है। यहाँ पे क्रेन के इधर ये जो लगा हुआ आपको एक बड़ा सा नज़र आ रहा है ये मैग्नेट है, और ये किस तरह से मैग्नेट जो है वर्कआउट करता है जब इसमें से करंट पास होगा। हैव यू एवर सीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन वर्किंग इन अ स्क्रैप यार्ड, कि आपने कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन को स्क्रैप यार्ड में काम करते हुए देखा है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी आयरन स्क्रैप, के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज हैं उनके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है
वर्क यूज़ किया जाता है किस चीज़ को उठाने के लिए, आयरन स्क्रैप, जो आयरन की चीज़ें होती हैं, लोहा वगैरह जो है उसको उठाने के लिए यूज़ किया जाता है। दीज क्रेन्स पिक अप मेटल, क्या करती हैं कि वो ये मेटल जो लोहा वगैरह है उसको उठाती हैं, स्क्रैप बाय स्विचिंग द मैग्नेट ऑन, कि जब मैग्नेट को ऑन किया जाता है। अब किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना किस तरह से है ये आपने पहले डिस्कस किया है कि कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट चीज़ आपने बनानी है उसके गिर्द एक कॉइल लपेटी हुई होगी, ठीक है। जब आप करंट को ऑन करेंगे तो उसके अंदर से जब करंट पास होगा, गुजरेगा, फ्लो करेगा, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगा, ठीक है। तो जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा वर्क करेगा तो डेफिनेटली वो आयरन स्क्रैप को लिफ्ट अप करेगा। और आपने जब उसके साथ चिपके हुए नज़र आ रहे हैं फिगर में, आपको ये देखें, फिगर में आपको ये मैग्नेट है, ये क्रेन का आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से अटैच है, और यहाँ पे ये मैग्नेट जो है इसके नीचे क्या लगे हुए हैं, आयरन स्क्रैप लगे हुए हैं। और जब इसको रिलीज़ करना है, रिलीज़ करने के लिए क्या करेंगे, टू रिलीज़ द स्क्रैप द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ स्विच्ड ऑफ। और जब आपने इस ये जो आयरन स्क्रैप है इसको रिलीज़ करना है, मतलब इसको छोड़ना है, नीचे दोबारा से वापस उतारना है, तो आप क्या करेंगे, स्विच को ऑफ कर देंगे और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ है, मैग्नेट जो ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क कर रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ख़त्म हो जाएगा, उसमें से करंट पास करना, करंट जो है गुजरने से बंद हो जाएगा, नहीं गुजर सकेगा, तो वो डेफिनेटली ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये फिगर आपके सामने बनी हुई है और आई होप कि आप लोगों ने क्रेन तो ये वाली लाजमी देखी होगी, लेकिन इस तरह ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करती है ये चीज़ नहीं देखी होगी। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो YouTube के ऊपर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स लिख दें, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स, तो काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो आ जाती हैं, तो आप वहाँ से इसका वर्क देख सकते हो कि ये किस तरह से काम करती है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, वो भी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में ही है, इलेक्ट्रिक बेल किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बेल को हम स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, तो ये सामने जो वाइट बोर्ड के ऊपर आपके सामने इस टाइम मैंने इलेक्ट्रिक बेल जो है फिगर 7.10 आपकी बुक के ऊपर बनी हुई है उसकी डायग्राम बनाई है कि ये किस तरह से करंट पास होता है इसमें से, ठीक है। अब मैं आपके सामने इन चीज़ों के इनके नेम राइट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं एमीटर। एमीटर के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो कि ये क्या होता है, कि करंट की मेजरमेंट इसमें से आपको पता चलती है किसमें से कितना करंट गुजर रहा है, ये क्या चीज़ है जहाँ से मेन इलेक्ट्रिसिटी आपको आ रही है, ठीक है। इसको हम कहेंगे स्क्रू, ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने जो रेड बॉक्स है एक बना हुआ है, ये जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्लू लाइनिंग जा रही है और ये वाली जो लाइन है ये क्या है, एज अ क्वाइल वर्क कर रही है, जो कि किसी भी एक रॉड या किसी भी नेल के गिर्द लपेटी हुई है, ठीक है, वॉन्ड की हुई है। और सबसे ऊपर जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, स्विच। और जो स्विच है आपको पता है किसी भी जो एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसके अंदर से जब आपने करंट पास करवाना है तो उसको हम टर्न ऑन या ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसको हम नाम, ये क्या चीज़ यहाँ पे बनी हुई है ब्लू कलर की ब्लैक गोल सी, ये है गोंग, ठीक है। तो अब आपको सबके नेम चीज़ों के पता चल गए हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रिक बेल जो आपके ये किस तरह से किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। जब आप स्विच को ऑन करेंगे, ये स्विच जो है ये ऑन है, ठीक है, जब आप इसको ऑन करेंगे मेन इलेक्ट्रिसिटी से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और कॉइल के साथ यहाँ पे आपने किसको चूज किया हुआ है, एमीटर को। जितना आप ज़्यादा स्विच को आपने जैसे ही ऑन किया, क्वाइल की वजह से इसके अंदर से करंट जो है वो गुजरना शुरू हुआ, यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है। यहाँ से किस में जा रहा है, एमीटर में। एमीटर के साथ ही यहाँ पे ये आपने एक रॉड सा यहाँ पे अटैच किया हुआ है, ठीक है। इसने जब इस गोंग के साथ टच करना है, इसके अंदर बजना है, तो जो आपको बेल की साउंड आती है वो इसकी वजह से आती है। जब ये वाला जो छोटा सा यहाँ पे जो रॉड सा बना हुआ है सर्कल में, ये इस गोंग के साथ अटैच करेगा, ठीक है। और उतनी देर तक बेल जो है वो रिंग करती रहती है जितनी देर तक आपने स्विच को ऑन रखा है। लेकिन जैसे ही आप स्विच जो है ऑफ करेंगे तो करंट का फ्लो उसमें से रुक जाएगा और बेल जो है वो भी रिंग करना बंद हो जाती है, ठीक है। एमीटर से आपको क्या पता चलेगा कि कितना करंट उसमें से फ्लो हो रहा है, मेजरमेंट ऑफ करंट आपको पता चलती है।
ये जो क्वाइल है इसकी वजह से बेल जो है वो रिंग करेगी। अगर आप कोई भी जो रॉड है यहाँ पे ये जो लगा हुआ है इसके गिर्द आप क्वाइल को वॉन्ड नहीं करेंगे, गिर्द इसके नहीं लपेटेंगे, तो इलेक्ट्रिक बेल जो है वो वर्कआउट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट चीज़ तभी बनती है जब किसी भी आयरन नेल या रॉड के इर्द गिर्द आपने क्वाइल को लपेटा हुआ है। अगर आपने क्वाइल को इसके गिर्द नहीं लपेटा तो ये एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट बेल जो है वो वर्कआउट नहीं करेगी। ठीक है बेटा, तो अभी हम इस यूनिट आज हमने इतना ही इसको करना है। कल हम इंशाल्लाह इसकी इलेक्ट्रिक बेल की रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने के बाद फिर हम अपना नेक्स्ट पॉइंट भी स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।